आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमा सशस्त्र बल जो भर्ती जारी की गई हैं, इसमें समथिंग 1522 कुछ पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल की गई हैं। आप लोग इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इस फॉर्म को आप लोग सबमिट करेंगे। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, इस वीडियो को आप लोग को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखना है ताकि जानकारी जो है अच्छे से मिल जाए। गाइस, ये जो आपकी वैकेंसी जारी की गई है इसमें 10वीं ITI डिप्लोमा कई प्रकार की यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं और जिसमें कई प्रकार की यहाँ पे पोस्ट जो है वो जारी की गई हैं। तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, सो प्लीज़ आप लोग एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर लीजिएगा। नहीं तो मैंने इस पर सारा डिटेल्स एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए, किस पोस्ट को यदि आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपको कौन सी क्वालिफिकेशन देनी चाहिए। तो आपको यदि वो वीडियो देखना है तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उस वीडियो का लिंक हमने प्रोवाइड कर चुका है, आप लोग उस वीडियो को पहले वॉच कर लीजिएगा कि इसमें क्या क्या डिटेल्स मांगी गई हैं। उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई करने के प्रोसीड पे आइए। आप लोग को मैं यहाँ पे बताऊँगा कैसे आप लोग फॉर्म सबमिट करेंगे कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। तो ये है आपकी पेज, इस पेज पर आने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को फॉलो करिए और उस लिंक को फॉलो करने के बाद इस पेज पर आइए। यहाँ पे आने के बाद कर्सर से नीचे आना है। ये अगर पेज पे आप आ रहे हैं तो इसमें आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा कि किस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और सारा डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप अगर रीड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के प्रोसीड के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट सबमिट करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसीड जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ सीमा सशस्त्र बल के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे जहाँ से आपको फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स आप समझ लीजिए। यहाँ पे जो आपकी नाम ली जाएगी वो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जिस प्रकार का आपका नाम लिखा रहेगा बिल्कुल सेम नेम आपको यहाँ पे अपना नाम अच्छे से लिखना पड़ेगा। अपने पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जो डिटेल्स आपकी यहाँ पे ली जाएगी वो आपके हाई स्कूल में मैच करनी चाहिए आपका सारी डाटा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन बताई जा रही है कि आपके पिता का नाम या आपका नाम या मदर का नाम में आपको ये मिस्टर, मिसेस, श्री, श्रीमती, ये सब का यूज आपको नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन बताई जा रही है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके सर्टिफिकेट में जो शो कराई जा रही है वही आपको लिखना है। एंड यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात कि जहाँ पे स्टार मेंशन की गई है वो आपको फिलअप अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। यदि आप लोग उसको छोड़ के आगे सोचेंगे बढ़ जाए तो आपकी ये फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो पाएगी, वहीं पे रुकी की रुकी ही रह जाएगी, ठीक है। अभी हो गया ये बेसिक इंपॉर्टेंट बातें, आगे का प्रोसीड हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए कई सारी पोस्टें मिल जाएगी। अब जिस भी पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग कमेंट करेंगे कि आप इनमें से किसी और पोस्ट को सेलेक्ट करके फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ड्राइवर के लिए, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आप लोग कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे। आप लोग यदि किसी और के लिए यहाँ पे किसी और पोस्ट के लिए कमेंट करते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप लोग ये प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपको किस किस ऑप्शन में कैसे फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो गाइस, यहाँ पे मैंने जो फॉर्म है वो सबमिट कर चुका है, एक एक यहाँ पे डिटेल्स मैंने फिलअप कर चुका है। आपको मैं बताता हूँ कैसे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। सबसे पहले गाइस, आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखना है। आपका यहाँ पे जो भी नाम है वो अपना नाम लिखेंगे। जैसे आपका यहाँ पे रमेश कुमार सिंह है तो यहाँ पे आपको रमेश लिखना पड़ेगा। मिडिल नेम आपको कुमार लिखना पड़ेगा और उसके बाद लास्ट नेम जो आपका रहेगा वो सिंह रहेगा। लेकिन आपका सिर्फ रमेश कुमार ही नाम है तो आपको इस ऑप्शन में रमेश लिखना है और इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पे आपको कुमार लिख लेनी है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम लिखना है, पिता का नाम पूरा रहेगा। उसके बाद आपको अपने माता का नाम लिखना है एंड यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 27 सितंबर से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ ली जाएगी आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ इस ऑप्शन में आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, आप इंडिया के रहने वाले हैं या अदर कहीं के रहने वाले हैं। अदर के हैं तो यहाँ पे अदर पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कहाँ के आप रहने वाले हैं। यदि आप इंडिया के रहने वाले हैं तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। आप जो भी रिलीजन में आते हैं वो अपना रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप शादीशुदा हैं या नहीं शादीशुदा हैं यहाँ पे अपना सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है।
अब जनरल में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं या ओबीसी में आते हैं या एससी एसटी, जिस भी कैटेगरी में आते हैं अपना यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे कुछ सारी ऑप्शन मिलेगी, ये सारी ऑप्शन आपको नो करनी है। यहाँ पे आपको यही सब बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे इनमें से ये जो एड्रेस दी गई हैं इन पते पर आप रहने वाले रहेंगे, यहाँ के निवासी हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि 1984 से 2002 तक में आप गुजरात के निवासी हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर लीजिए। एंड यहाँ पे ई एक्स सर्विस मैन अगर आप लोग हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके घर में या आपके पेरेंट कोई जॉब करते हैं गवर्नमेंट, तो आप यहाँ पे डिटेल्स अपना यस करके देंगे। यदि नहीं है तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे ये सारी ऑप्शन नो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको इस ऑप्शन में एक अपना आइडेंटिफिकेशन देनी है, आईडी मार्क देनी है। आप यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं आप दे सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको बेटर लगे। मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड ही दे दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इस ऑप्शन में आधार कार्ड दिए हैं तो वो आपको कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या जिस भी अब जो भी यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं आइडेंटिफिकेशन अपना, वो अपना यहाँ पे कोड यहाँ पे लिखेंगे अपना। एंड इस ऑप्शन में आपको अपने बॉडी में कोई भी ऐसा पहचान है जिसके द्वारा आपको पहचाना जा सके, या आपको कट मार्क है या चोट लगी है या कोई भी ऐसा पहचान है तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है, लिखनी है। उसके बाद इन दोनों ऑप्शन में अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी लिखनी है। ये सारा डिटेल्स आपको लिखने के बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन का पूरा डिटेल्स देनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पे 10वीं की क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी है, ठीक है। 10वीं के क्वालिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नाम या आपको अपने बोर्ड का नाम लिखना है, इंस्टीट्यूट का नाम। तो यहाँ पे मैंने यूपी बोर्ड का यहाँ पे सेलेक्ट किया है क्योंकि यूपी बोर्ड, मैंने यहाँ पे यूपी बोर्ड से ये क्वालिफिकेशन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे किस ईयर में आप क्वालिफाई किए हैं वो लिखना है, आपका यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, और यहाँ पे आपकी जो सर्टिफिकेट कब इशू की गई है, कब आपको प्राप्त की गई है वो यहाँ पे लिखना है, किस सब्जेक्ट से आप ये 10वीं की क्वालिफिकेशन क्वालिफाई किए हैं और कितना यहाँ पे आपका परसेंटेज है। ये सारे डिटेल्स आपको लिखने के बाद नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, यदि आप लोग ड्राइवर के लिए फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तब, अदर किसी फॉर्म को सबमिट करेंगे किसी पोस्ट को तो आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि मैट्रिकुलेशन आपका समकक्ष में है बोर्ड के साथ, तो यहाँ पे येस आर नो में आपको जवाब देनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास, दोस्तों यहाँ पे हैवी व्हीकल की ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, यहाँ पे यस आपको ऑलरेडी करना पड़ेगा, नो करेंगे फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे यस करना है, यदि आप लोग के पास नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आप लोग एक बार अपना जो फॉर्म है जो आपने फिलअप किया है सारा डिटेल्स एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम लगती है तो उसको आप सुधार लीजिए, ठीक है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डिटेल्स जो है वो यहाँ पे सारा सबमिट करना पड़ेगा एक एक करके। तो चलिए यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स हम फिलअप कर लेते हैं। एड्रेस डिटेल्स आपको लिखने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, येस और नो का। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि यदि आप लोग सेम एड्रेस पे रहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, अगर आप लोग सेम एड्रेस पे नहीं रहते हैं तो यहाँ पे आपको नो करना पड़ेगा, और आप जहाँ भी रहते हैं वो एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। तो यदि आप सेम एड्रेस पे रहते हैं तो यहाँ पे आपको यस के बटन पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन क्रिमिनल केसेस का आपको डिटेल्स देनी है कि आपका कभी क्रिमिनल केस चला है या आपका कभी पुलिस थाने में आपका नाम गया है, ये सब सारे डिटेल्स है। तो यहाँ पे गाइस ये सारी डिटेल्स वही से संबंधित आपको लिया गया है, तो मैं आपको बस एक ही बात कहूँगा कि आप बिल्कुल आँख मूंद के इस सारे ऑप्शन को नो कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग यस करेंगे तो हो सकता है कि आपका फॉर्म जो है आगे चल के रिजेक्ट हो जाए या आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। अगर आपको ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ तो पहले जो आपका केस चल रहा है उस केस को हटवा लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ ऊपर फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है कि क्या आप कभी यूपीएससी, एसएससी या एसपीएससी में आप कोई भी जॉब में क्वालिफाई कभी किए हैं, तो आपको यहाँ पे यस का निशान मार्क करनी पड़ेगी। अगर आप लोग नहीं हुए हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिए, और ये सारी आपको डिटेल्स आपको नो कर लेनी है। इसको आप लोग जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे केसेस के बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई हैं। ये सब चेक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो पासवर्ड एक अच्छा सा यहाँ पे चलिए हम क्रिएट कर लेते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप क्रिएट करिए और आपको पता भी रहे।
यहाँ पे पासवर्ड आपको बनाने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगी, यहाँ दोनों ऑप्शन पे आपको यस करना है। यहाँ पे पहला जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन है, इसमें आपको सारी कंडीशन बताई गई हैं, इसको आप लोग जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर रीड करना है, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करनी है और यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीवियस की जो आपकी पेज है वो आपके सामने इंटरफेस हो जाएगी। यहाँ पे आपका प्रोफेशनल सारा डिटेल्स जो आपने फिलअप किया है सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कराई जाएगी। आप इसमें एक एक करके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। आपको यदि कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ एडिट डिटेल्स पे आपको क्लिक करके आप अपना चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपको यहाँ पे गलत लगता है। लेकिन आपका जब सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन पे यस करनी है और यहाँ पे कैप्चा कोड आपको लिखना है। कैप्चा कोड लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट एप्लीकेशंस। अब यहाँ पे दोस्तों एक और बात आती है, जो भी कैंडिडेट जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में आएंगे उनको यहाँ पे 100 रुपीज़ फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पहले फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट करने की ऑप्शन मिलेगी। तो जो भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे वो 100 रुपीज़ फ़ी पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बार अपना प्रीवियस डिटेल्स में सारा डिटेल्स चेक कर लेना है कि आपका कहीं पे गलत तो नहीं है। यदि आपको लगता है कि कहीं पे प्रॉब्लम है तो उसको आप लोग जल्द से जल्द यहाँ से एडिट के ऑप्शन से क्लिक करके आप सुधार सकते हैं। फिर उसके बाद आपका सारी डाटा जब सही हो जाएगी तो आपको यहाँ सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप की तरह पेज ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि हैव यू वेरीफाई द डिटेल्स, आपसे कहा जा रहा है कि क्या आपने वेरीफाई कर लिया है अपना डिटेल्स। अगर आपने कर लिया है तो यहाँ ओके पे क्लिक करिए और उसके बाद फिर से आप सबमिट कर लीजिए। अब जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी फ़ोटो की जो साइज़ है आपको यहाँ पे बताई गई है JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 6 मंथ पुराना आपका यहाँ पे फ़ोटो जो है वो लिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे फ़ोटो हम अपलोड करते हैं। फ़ोटो जो आपकी होनी चाहिए यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ऐसा यहाँ पे जो डिटेल्स है ये सब ऐसा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपका साफ साफ फ़ोटो आपका चेहरा जो है वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए हम एक फ़ोटो अपलोड करते हैं। यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करके जहाँ भी आप अपना फ़ोटो रखे हैं वहाँ से आपको फ़ोटो अपलोड कर लेनी है। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिया है। सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करनी है एंड उसके बाद नीचे आपको आना है। यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, ठीक है। तो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में दोस्तों आप यहाँ पे JPG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट दोनों में से कोई भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने PDF फॉर्मेट अपलोड किया है। यदि मैं JPG फॉर्मेट अपलोड करता तो यहाँ पे जो प्रीवियस है वो हमारे सामने शो होती। इसकी जो साइज़ यहाँ पे मांगी गई है 500 KB की साइज़ होनी चाहिए एंड उसी प्रकार यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको अपना प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो देना है कि आपका प्रोफेशनल हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो दे सकते हैं। PDF या JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, 500 KB की होनी चाहिए एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अपना वोटर आईडी कार्ड देनी है। आपका वोटर आईडी कार्ड जो भी आप दिए हैं वो अपना वोटर आईडी कार्ड देंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो प्रोविजनली सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाई यू इज़ प्रोविजनली रजिस्टर्ड। आपकी जो एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है, आपने पोस्ट अप्लाई किया है कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए। आप यदि किसी अदर पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ अदर डिटेल्स मांगी जाएगी फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो आप लोग को प्रॉब्लम होती है वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए अदर कोई भी पोस्ट के लिए, कमेंट करिए नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए कि कैसे ये फॉर्म सबमिट करेंगे। मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना दूंगा कैसे आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे किसी अदर पोस्ट को। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए या सेव कर लीजिए। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड उसके बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पे प्रिंट पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, चाहे इसे आप सेव करके रख सकते हैं। मैं इसे सेव करके रखने वाला हूं क्योंकि प्रिंट मैं बाद में कर लूंगा कभी भी। यहां पे मैं सेव एज PDF पे क्लिक करके मैं इसे सेव कर लूंगा, बाद में भविष्य में कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं इसमें चेक कर लूंगा। ओके, यहाँ पे मैंने सेव कर लिया फाइल को। आप प्रिंट भी करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है हमारी। अब हमको यहाँ पे आगे का प्रोसीड कुछ नहीं करना है, फॉर्म हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है। यहाँ पे यदि हम लोग एक बार लॉगिन करना चाहेंगे तो लॉगिन करके हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा हमारा फॉर्म है, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको आना पड़ेगा यहाँ हमारी पेज पर, और यहाँ पे आने के बाद लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो पेज है, सारे जो लिंक है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, आप लोग जो भी लिंक को फॉलो करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए। लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आईडी लिखनी है। जो आप फॉर्म सबमिट किए होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो नंबर आपको इस ऑप्शन में लिखना है। उसके बाद इस ऑप्शन में आपको पासवर्ड लिखना है, आपने जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड इस बॉक्स में आपको लिखना है। उसके बाद कैप्चा कोड आपको लिखना है, ये कैप्चा कोड शो हो रही है, और उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लेना है। फॉरगेट पासवर्ड और फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे आप लोग ये प्रक्रिया करेंगे। ये एक्चुअली वो प्रक्रिया है जिनका पासवर्ड अगर आप लोग भूल गए हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूल गए हैं तो ये प्रोसीड आप लोग कैसे करेंगे कि आपका दोबारा से पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करूँगा और आपको बताऊँगा लाइव की कैसे आप लोग ये प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉगिन करके दिखाते हैं कि कैसे लॉगिन करना है और उसके बाद अपना फॉर्म जो है दोबारा से कैसे प्रिंट करना पड़ेगा। ओके गाइस, यहाँ पे सारा डिटेल्स लिखने के बाद आपको लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिर से आप रिडायरेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पे आपको डिटेल्स जो है वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कराई जाएगी। आपका फॉर्म देखिए यहाँ पे स्टेटस बताया जा रहा है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल सेव हो चुका है सक्सेसफुल। और प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये मैंने आपको बताया सशस्त्र सीमा बल, जिसमें आपको कई प्रकार की वैकेंसियां जारी की गई हैं। यदि आप लोग फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख के फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आपने यदि किसी और पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कैसे आप लोग इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। क्योंकि अदर किसी भी पोस्ट को आप सबमिट करेंगे तो उसमें कुछ और डिटेल्स मांगी जाएगी, तो वहाँ पे आप लोग को यदि प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त गाइस, बाय बाय।